हेलो दोस्तों, चलो अभी मैं आपको एक प्रेडिक्शन करने बोलता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ह्यूमन से भी ज्यादा इंटेलिजेंट होगी, वो कौन से साल में आएगी? आप सोच रहे होंगे कि मे बी 1000 साल बाद। नहीं दोस्त, वो आएगी 2030 में। आप सोच रहे होंगे कि ये नामुमकिन है, लेकिन रुकिए। टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट स्केल है, वो एक लीनियर ग्राफ में नहीं जाता है। कंप्यूटर्स की पावर और ग्रोथ की स्पीड हर 2 साल में डबल हो जाती है। और ये मैं नहीं, इलोन मस्क जैसे बड़े साइंटिस्ट बोल रहे हैं। उस टॉपिक के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि अगर रोबोट्स ह्यूमन से ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए तो क्या हो सकता है। उसके 3 पॉसिबिलिटीज है। रोबोट्स विल हेल्प इन द ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, विच इज 14%। लेकिन ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम ही तो उनके क्रिएटर्स हैं। लेकिन जैसे हमने एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय किया है, जो हमारे ही क्रिएटर्स हैं, तो फिर रोबोट्स भी तो वही कर सकते हैं। इसलिए इसके चांसेस सिर्फ और सिर्फ 14% ही है। सेकेंड, अवर एग्जिस्टेंस विल नॉट बी इन आर कंट्रोल। जिससे पहले आप कंफ्यूज हो जाओ, मैं इसको एक सिंपल वे में समझाता हूँ। जैसे इंसानों में बुरे और अच्छे लोग होते हैं, वैसे ही रोबोट्स में होंगे। क्योंकि आफ्टर ऑल, बुरे लोग जो इंटेलिजेंट है, वो भी तो रोबोट्स बनाएंगे। और इसलिए इसके चांसेस है 62%। और लास्ट, सबसे चौंका देने वाला फैक्ट नंबर 3, वी विल गेट एक्सटिंक्ट। रुको रुको, इससे पहले आप डर जाओ, मैं आपको समझाता हूँ। ऐसा होगा क्योंकि फिर रोबोट्स का राज चलेगा, क्योंकि नाउ वी आर जस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे कि सीरी, गूगल, एलेक्सा, वो रोबोट्स ही तो है, और इस बिगिनिंग ने पूरे दुनिया को बदल दिया है। और डर मत जाना, इसके चांसेस है 72%। जी हाँ, 72%। क्योंकि वो अपने अंदर के नेटवर्क से कुछ भी बना सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। डरो मत, ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है। मे बी जिसके बहुत कम चांसेस है, वो ही हो जाए। वो तो दोस्त समय ही बताएगा। अब ये वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ग्रोथ और उसके आने के बाद क्या होगा उसके ऊपर था। तो AI इंसानों का आखिरी इन्वेंशन तो होगा ही, क्योंकि उसके बाद हर इन्वेंशन और डिस्कवरी AI हमसे बेटर कर लेगा। और हाँ, अगर हम मर भी गए तो भी AI हमारा आखिरी इन्वेंशन ही होगा। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि AI इज द लास्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट कीजिए। और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया, और शेयर कीजिए ताकि हर एक आदमी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पॉसिबिलिटीज पता चले। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझसे अपडेटेड रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल भी चालू कीजिए। और हाँ, फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।